इसलिए आज इनका परिवारों ने जैसे ये मैदान जो भागवत कथा है हमारे जाकर ना अशोक नगर में कहते कि ये हमारे ट्रेंड वाले माता जी इनके परिवार सबके सब बच्चे मिल करके यहाँ पर पहले ये भागवत कथा शुरुआत कराए। आज इसी से ही बहुत सारे भक्त इसी से ही धीरे 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 जुड़ेंगे। इसलिए देखो कम से कम हम बेटी की शादी होना कम से लाख लाख रुपया करोड़ों करोड़ रुपया निकाल देते हैं, लेकिन कहीं अगर भक्ति तो हो ना एक पैसा निकलना बड़ा जटिल होता है। लेकिन इन लोगों ने तन मन और धन ये हर तरह से इनकी जो परिवार है हर तरह से तैयार बैठे रहते हैं। कैसे हर साल भागवत कथा हो गुरु वैष्णव की सेवा हो, पर इतना नहीं इन्होंने बापू जी इधर आ जाओ और माधव जी भी कहाँ है माधव जी भी आ जाओ इधर आ जाओ ठाकुर जी हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी को खूब दे ठाकुर जी को सेवा करने से ठाकुर जी ठाकुर देने वाले ठाकुर विपिन है इधर विपिन का विपिन को बुला लो सर्व साधी रहा और इनको बहु लोग तो के लिए ताली बजा इनके बहु लोग हैं ना बापू जी बैठ जाए इधर बैठ इनके बहु लोग के लिए ताली बजा क्योंकि जब बहु कंडे अगर कहीं पति सेवा करना चाहे ना आ जा लेगा पति सेवा करना चाहे तो बहु कभी कभी टांग खींच देती है भले अरे तुम्हारे बाल बच्चे नहीं सारे पैसा भी इधर उधर के खर्चा करते हो घर का मालिक यानी बहू है ना कली युग में बहू की बात करती है लेकिन इनकी बहू ही अच्छी है जो कि भगवान की सेवा के लिए कोई मना नहीं करता। आ जाओ इधर आ जाओ कलश यात्रा महाराज अग्रसेन धर्मशाला से होगी और एक सब 3:30 बजे आ जाना है मंदिर का नाम लिखा हुआ है और सभी लोग आ जाना 4 बजे करेक्ट अग्रसेन धर्मशाला से कलश यात्रा कल शुरू हो जाएगी परसों 14 तारीख को इसलिए परसों होगी। इसलिए इन लोगों ने भले पहले गुरु पूजा से हम प्रारंभ करते हैं इसलिए इन लोगों ने 2 दिन पहले से ही इसको तैयार कर दिया कम से कम यहाँ पर हैं यहाँ पर पहले गुरु जी की पूजा हो व्यास पूजा हो 2 दिन पहले बोले यहाँ पर सारे भक्त लोग बोले ऐसे दिन होना ना बहुत कठिन है बहुत कठिन है इधर ऐसे दिन होना बड़ा कठिन है भगवान की सेवा में लगना आ जाए और मंदिर की सेवा के लिए भी अभी ऐसे नैदा में मंदिर बन रहे हैं बोले ठाकुर जी जो स्थापन होंगे हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया ठाकुर माधव जी इसलिए बोले जो ठाकुर को जो स्थापन होंगे ठाकुर जी के लिए जितना पैसा लगेगा वो सारे पैसा हमारी तरफ से ठाकुर जी पैसा भी हमारे हर तरह से ये सेवा कर रहे हैं हर तरह से बच्चे लोग केवल पैसा से नहीं केवल सुंदर पैसा से ऐसे पैसा से नहीं हैं जो ब्रजेश ब्रजेश और दीपिन दीपिन कहाँ गया खड़ा होगा ये पूरा आ करके पहले सबसे पहले आ जाएगा और इन्होंने ऋषि बनना शुरू कर देगा हर तरह से मतलब बहुत अच्छी है इनका परिवार। हम सोचते हैं सभी का परिवार में ऐसे सद्भाव ना हो भगवान की सेवा गुरु वैष्णव की सेवा के लिए सभी सद्भाव ना हो। और अब लोगों को पता है अभी मंदिर बन रहा है हमारे मंदिर बन रहा है कृष्णा उद्धव जी को ये बात कह रहे उद्धव जी जब मेरे मंदिर बनती है उसमें अगर एक ईंट कोई दे दे केवल तो एक ईंट अगर कोई दे दे कृष्णा के उद्धव जी मेरे मंदिर के लिए मैं उसके लिए गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ राजमहल गोलोक वृंदावन में उसके लिए बना देता हूँ। इतने महिमा इसलिए हम लोग कोशिश करना कुछ कुछ अगर देंगे अपना घर के लिए तो सुंदर घर बनाते मंदिर बनेगा तो सभी का ही है अच्छे तरह से हम लोग आएंगे बैठेंगे कीर्तन करेंगे भजन
होगा, गुरु वैष्णव की तिथि वहाँ पर पालन होगी हर तरह से। और आज जो प्रसाद दिए, किसने प्रसाद दिया? जो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है, भगवती देवी, इनकी बेटी गगन, गगन और इनके परिवार की तरफ से हुआ है। और इन्होंने हमारे मंदिर का ना मंदिर का बहुत सारा काम जो इनकी बेटी है गगन ने दिया है। यहाँ पर है गगन, है गगन इधर आइए, गगन गगन